बिहार में अब होमगार्ड के जवानों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। यही नहीं, ये जवान अब इंसास राइफल के साथ ड्यूटी करेंगे। यह जानकारी होमगार्ड के डीजी आरके मिश्रा ने पटना में पत्रकारों को दी। बता दें कि अब तक होमगार्ड के जवान पुरानी और बेकार हो चुकी राइफल के साथ ही लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। होमगार्ड के डीजी ने बताया कि जवानों को ड्यूटी में कुशल और दक्ष बनाने के लिए जल्द ही इनके लिए कमांडो ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 2000 ट्रेनिंग होमगार्ड का रिफ्रेशर चले उसके लिए सुविधा हम लोग जुटाया है और हम 10 दिसंबर से इसको मूर्त रूप देंगे कि 2000 होमगार्ड्स का रिफ्रेशर कोर्स एक साथ बेटा में चलेगा, अद्वितीय होगा और इससे बहुत हद तक और नए हथियारों पर होगा। 27,000 होमगार्ड लगे हुए हैं, मैंने बताया कि 36,000 होमगार्ड हमारे रोज ड्यूटी पे हैं, 27,000 उसमें विधि व्यवस्था में और 9,000 भुगतान के आधार पर हैं। जो 27,000 विधि व्यवस्था में है उनके लिए हम लोग निश्चित कर दिया है और 1 नवंबर को अक्टूबर महीने का हम लोगों ने वेतन भुगतान कर दिया। दिसंबर महीने में 40 जिले में 38 जिले का हम लोगों ने भुगतान कर दिया। 2 जिले में तकनीकी कठिनाई कारण उनका भुगतान आज हो गया, जम्मू में कल हो गया और पटना का आज हो गया। तो इस तरह से आगे आने वाले महीनों में इन 2 जिलों में जो कमी है इसको दूर करते हुए कोशिश किया जाएगा कि 1 तारीख को सभी जिले में, 1 तारीख क्या, 1 तारीख से पहले 30 को ही हम लोग चाहेंगे कि ये भुगतान उनके अकाउंट में चला जाए और 1 तारीख से तो निश्चित चले। देर आए दुरुस्त आए, अब तक उपेक्षित और कई सरकारी सुविधाओं से वंचित लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले होमगार्ड के जवानों पर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में पूरा तो नहीं तो कुछ तो ध्यान जरूर दिया। ओंकार अवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। गुरुवार को डिबेट के दौरान जेडीयू और आरजेडी के छात्र संघ आपस में भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ा कि समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। पुलिस को हालात संभालने में पसीने छूट गए। पुलिस ने लाठी भांज कर स्थिति पर काबू पाया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मारपीट करते छात्रों को अलग किया। एक छात्र को हिरासत में भी लिया गया। बहरहाल स्थिति नियंत्रण में है। आगामी 7 दिसंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है। ओंकार अवामी के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट।